हाँ बच्चों, पीवाईक्यू पर नेक्स्ट सीरीज में एक सवाल आपके सामने स्क्रीन पर रखा हुआ है। सवाल पढ़ लीजिए, सिंपल हार्मोनिक मोशन का सवाल था। सवाल क्या है? फॉर ए पार्टिकल पी रिवॉल्विंग है ना राउंड द सेंटर ओ विथ रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ आर। ये जो सर्कुलर पाथ है जिसका रेडियस क्या है? आर है। इस सर्कुलर पाथ पे क्या हो रहा है? पार्टिकल जो है पी वो घूम रहा है चारों तरफ, इस पे सर्कुलर पाथ पे। क्लियर हो? इसका रेडियस बोला गया है कितना है? आर। सही है, छोटा आर। टाइम जीरो पर आपको बताया गया कहाँ पे है। देखो डायग्राम को, देखो टाइम जीरो पे पार्टिकल जो है हॉरिजॉन्टल के साथ 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। एंगल बना रहा है 30 डिग्री का, और इस पे जो घूम रहा है ना, इस घूमने का जो एंगुलर स्पीड है वो कॉन्स्टेंट है, दैट इज ओमेगा। सही है, स्पीड कितना है इसका? एंगुलर स्पीड ओमेगा है। एज शोन इन बिलो फिगर द प्रोजेक्शन ऑफ ओपी ऑन द एक्स एक्सिस। ओपी का प्रोजेक्शन बताना है किस पे? एक्स एक्सिस पे। ये जो ओपी है, सही है, कितने टाइम के बाद? टी टाइम के बाद। अब वो टी टाइम के बाद वो एंगल कितना घूम लेगा आपको मालूम होना चाहिए। थीटा इज इक्वल टू होता है ओमेगा टी। थीटा इज इक्वल टू क्या? ओमेगा टी। तो टी टाइम के बाद ये कितना एंगल घूम लेगा? ओमेगा टी। कहाँ से? सर 30 डिग्री से। अच्छा, कितना एंगल एक्स्ट्रा और घूम लिया सर? हाँ सर, ये एंगल कितना हो गया? ओमेगा टी। तो आप ये बताओ कि एक्स एक्सिस के साथ टोटल एंगल कितना बना लिया है? ओपी लाइन एक्स एक्सिस के साथ टोटल एंगल कितना बना रहा है? 30 डिग्री पहले से बना रहा था। हाँ सर, और ओमेगा टी और बना रहा है। ये टोटल एंगल कितना हो जाएगा? टोटल एंगल हो जाएगा सर 30 डिग्री प्लस क्या? ओमेगा टी। सही है, 30 डिग्री प्लस क्या? ओमेगा टी। अब इसी का प्रोजेक्शन बताना है कहाँ पे? एक्स एक्सिस पे। प्रोजेक्शन मतलब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, एक्स वाला कंपोनेंट बताना है आपको, ये वाला। सही है। अच्छा कौन सा वाला? ये वाला बताना है, ये एक्स की वैल्यू बताना है प्रोजेक्शन का, है ना। एक्स पर प्रोजेक्शन मतलब एक्स, और वाई प्रोजेक्शन मतलब ये वर्टिकल कंपोनेंट आपको बताना रहता है। चलिए, दूरी कितना दे दिया? आर। आपको मालूम होना चाहिए कि सर डायरेक्ट याद रखो ये आर है और ये एंगल अल्फा है, तो ये वाला सामने वाला कितना होता है? आर साइन अल्फा, और ये वाला कितना होता है? आर कॉस अल्फा। ठीक है, एक्स की वैल्यू सीधा लिख लेंगे अपन। क्या लिख लेंगे? आर साइन, और अल्फा की जगह पर कितना है? 30 डिग्री प्लस क्या? ओमेगा टी। 30 डिग्री प्लस क्या हो जाएगा? साइन नहीं, कॉस होगा ना, आर कॉस अल्फा। सॉरी मैं भी क्या बोल रहा था, नहीं है आर कॉस। आसान सा सवाल था, बिल्कुल आसान सा। मुझे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट चाहिए, तो ये जगह आर कॉस 30 डिग्री प्लस क्या? ओमेगा टी। अब 30 डिग्री को आप रेडियन में कन्वर्ट करना जानते हो, जो लोग नहीं जानते सुन लो। रेडियन से अगर डिग्री से रेडियन में जाना हो तो पाई बाई 180 का क्या कर देते हैं? मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये पाई बाई 6 हो जाएगा। ओमेगा टी को पहले लिख लो, आर कॉस ओमेगा टी प्लस क्या? पाई बाई 6। देख लीजिए, आसान सा सवाल था एसएचएम का, ये कोई बहुत टफ सवाल तो नहीं बोल सकते आप इसको। सही है, ढूंढ लो कौन सा ऑप्शन सही है, यानी फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। देख लो भैया कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? फोर्थ है। ये 8 अप्रैल 2023 है ना, 8 अप्रैल 2023 शिफ्ट टू के पेपर में पूछा गया। बहुत आसान सा सवाल है, कुछ नहीं है भैया। जितना एंगल घुमा वो ये आर है, और ये वाला क्या जाएगा? जितना एंगल घुमा तो ये आर कॉस अल्फा हो जाएगा। सही बता रहा हूँ आपको, कुछ लोग ओरल बता दिए होंगे इसको। सही बता रहा हूँ, क्या बता दिए होंगे? और